आज हम बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले मेरे अदर लिस्ट के वीडियोस देखिए, ताकि आपको नेस्टेड लिस्ट का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। नेस्टेड लिस्ट इज अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट। सो जब भी हम एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के अंदर डालते हैं, तो वो जो लिस्ट बन जाती है वो है नेस्टेड लिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट एक नेस्टेड लिस्ट है। यहाँ पे देखिए गाइज, बुलेट सिंबल्स है। सो ये एक बुलेटेड लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मार्कअप लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ये एटम्स है उस अनऑर्डर लिस्ट के। इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नीचे, और एक ऑर्डर लिस्ट है क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 है। सो इस लिस्ट के अंदर ये दूसरी लिस्ट है। सो ये जो है एक नेस्टेड लिस्ट है। कुछ ऐसी लिस्ट मुझे इम्बेड करनी है मेरे वेब पेज में। कैसे इम्बेड करते हैं, चलिए उसका कोड लिखते हैं। टाइम सेव करने के लिए HTML का बेसिक कोड मैंने पहले से ही लिख के रखा है। बॉडी टैग के अंदर मैंने एक हेडिंग टैग दिया है और जिसमें मैंने लिखा है कंप्यूटर लैंग्वेज। अब मुझे क्या करना है, एक नेस्टेड लिस्ट लगानी है। सो ये जो लिस्ट है उसमें अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट है। सो सबसे पहले मैं यूज करूंगा UL टैग का। UL टैग को क्लोज करता हूँ। फर्स्ट जो आइटम है लिस्ट आइटम वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्लोज करता हूँ। दूसरा आइटम है दैट इज मार्कअप लैंग्वेजेस, एंड जो तीसरा लिस्ट आइटम है वो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। सेव करता हूँ इसे और ब्राउजर में रन करता हूँ। राइट क्लिक ऑफ माउस, ओपन इन ब्राउजर। ओपन इन ब्राउजर करने के बाद ये देखिए जो हेडिंग है कंप्यूटर लैंग्वेज ऊपर है सबसे, एंड ये देखिए एक बुलेटेड लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक सब लिस्ट लिखनी है और वो लिस्ट होनी चाहिए ऑर्डर लिस्ट। सो मैं यहाँ पे कोड में आऊँगा एंड इस लिस्ट आइटम के नीचे एक नई लिस्ट क्रिएट करूंगा, दैट इज OL टैग यूज करना है क्योंकि लिस्ट जो है वो है ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर मुझे देने पड़ेंगे लिस्ट आइटम्स। सो मैं देता हूँ लिस्ट आइटम, जो फर्स्ट लिस्ट आइटम है वो है पाइथन, जो सेकंड लिस्ट आइटम है वो है जावा। सो मैं यहाँ पे दूंगा पाइथन की जगह पर जावा। सेव करके इसे रन करता हूँ, ओपन इन ब्राउजर करना है, और यहाँ पे देखिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नीचे एक लिस्ट क्रिएट हो रही है। सो ये ऑर्डर लिस्ट है एंड ये अनऑर्डर लिस्ट है। इस अनऑर्डर लिस्ट में हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है और ये एक नेस्टेड लिस्ट है। गाइज यहाँ पे हम किसी भी दो लिस्ट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, कुछ चेंजेस करता हूँ। UL की जगह पर OL करता हूँ और OL की जगह पर UL करता हूँ। सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है। लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं उनके सब आइटम्स होते हैं, उन सब आइटम्स को लिखने के लिए नेस्टेड लिस्ट का यूज होता है। गाइज यहाँ पे हम डेफिनेशन लिस्ट भी डाल सकते हैं। सो हम किसी भी दो लिस्ट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।